अब इन लड़कियों की क्या मांग थी, कोई ये चांद सितारे नहीं मांग रहे, कह रहे सीसीटीवी लगा दो भाई, लाइट लगा दो भाई, हमें भी उसी तरीके से, लड़कों को तुम 10 बजे रात तक के लिए इजाजत देते हो, हमें कम से कम 8 बजे तक दो और कुछ दो, ये कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे थे जो बिल्कुल कोई नाजायज मांग हो, लेकिन इनके ऊपर गंदे गंदे गलत गलत आरोप लगाना कि इनको इंटरनेट नहीं देखना चाहिए और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये बड़ी सड़ी गली मानसिकता का प्रतीक है वाइस चांसलर के, और ऐसे लोगों को हटाया जाना चाहिए। अभी तक की जो मांग रही है आप लोगों की कि भाई सीसीटीवी कैमरा लगवाओ या और कुछ लगवाओ, मैं चाहूंगा कि आप लोग ये मांग लेकर के अब खड़े हों कि जब तक ये त्रिपाठी महोदय वाइस चांसलर रहेंगे हम नहीं मंजूर करेंगे इसको, इसको हटाना हमारी पहली मांग है, पहली शर्त होनी चाहिए। वाइस चांसलर हाय 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 हाय, ऐसे घटिया किस्म के लोग जो बना दिए गए, मुझे लगता है उसी का ये परिणाम है जो कुछ हुआ है, और कमिश्नर की रिपोर्ट अपनी बता रही है कि पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी का प्रशासन फेल हुआ है, गलत हैंडलिंग हुई है, शुरू से यदि सही ढंग से हैंडलिंग होती तो ये सारी बातें इतना तूल ना पकड़ती, लेकिन उसको भी क्रियान्वित करने के बदले वो वाइस चांसलर महोदय किसी जज को पकड़ के ला रहे हैं, अपना कोई रिश्तेदार, और उससे जांच कराने की बात करा रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी की भी जांच हो, कुछ भी हो, लेकिन आज छात्र आंदोलन पूरे देश में उठना चाहिए, नौजवानों का उठना चाहिए, और सब लोग मिल करके इस वाइस चांसलर को वहाँ से छुट्टी करें, को रास्ता न पुआएं उसको, और ये हमारी एक पुरजोर कोशिश होनी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर आज आप दिल्ली आए हैं और कल नहीं तो परसों आप वापस भी जाएंगे, आप बनारस पहुंचने के बाद जिस दिन आप इस मांग को लेकर के कोई आंदोलन बीएचयू में खड़ा करें तो मुझे बुलाइए और मैं आपके बीएचयू में आकर के आपका समर्थन करूँगा।